पार्टी को मजबूत और एक पावर में, तो आपके कोई उन्होंने एक टास्क आपको दिया है कि जाके लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें? अभी तक तो बजाते खुद ऐसे कोई टास्क हमने शुरू नहीं किया है। हज के बाद फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, जो गवर्नर का रोल होगा उसमें अदा करेंगे, और डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर हमारी नंबर वन प्रायोरिटी है। बीइंग ए सीनियर पार्लियामेंटेरियन, बातचीत को कितना के साथ बात करें लॉ एंड ऑर्डर के? जिस माशरे में बातचीत ख़त्म हो जाए वो माशरा है नहीं, वहाँ जोर और जबर का माशरा है। लॉ एंड ऑर्डर बातचीत होनी चाहिए, उसमें जो बात करते हैं खुदा लावे हम बात करेंगे उनके साथ और प्रॉपर तरीके से। डेवलपमेंट है, जो गलत ट्रैक पे पड़ गई उनको वापस राइट ट्रैक पे लाना है, इसलिए हुकूमतों में जिधर हमारे ताल्लुक रहे बड़े अच्छे रहे। बलूचिस्तान वाले खुद अपने साथ वफाक से ज्यादा ज्यादतियाँ करते रहे, जो पैसे वफाक दे देते थे उसका कोई आज तक हिसाब किताब नहीं है। तो एक इधर भी हम हिसाब किताब कोशिश करेंगे कि कायम करें, और वफाक के साथ जो भी हमारे मामले रहते हैं उसको हम लोग हल कराएंगे इंशाल्लाह। वफाक भी मदद के लिए आई पॉलिसी है, वो ज़रा देख करके उसके ऊपर तकरार कर सकता हूँ। इस वक्त शेख साहब आप मरकज़ के नुमाइंदे, इस वक्त क्वेटा शहर में बिजली और गैस का बड़ा बोरान है, आप मरकजी हुकूमत से उस हवाले से आप क्या प्लास्टिक बिजली और गैस खासकर हर शहर मुल्क में बोरान है। गैस हम लोगों ने इम्पोर्ट करना है, गैस के लिए हमने ज़राए ढूंढने हैं, अदरवाइज यही बोरान भी ख़त्म हो जाएगा, गैस ही ख़त्म हो जाएगी। पूरे मुल्क में बोरान है बिजली और गैस। शेख साहब बलूचिस्तान का मुकदमा कैसे लड़ेंगे आप विभाग में? बलूचिस्तान का बलूचिस्तान के हकूक होगा उसके ऊपर हम खड़े होंगे, पहले भी खड़े हुए, चाहे गवर्नमेंट हमारी अपनी पार्टी का हो चाहे दूसरे पार्टी का हो, बलूचिस्तान का मुकदमा हमने हमेशा लड़ा है और लड़ते रहेंगे। लेकिन बलूचिस्तान वालों को भी नसीहत करेंगे कि थोड़ा खुदा के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन पैदा करें। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन, गवर्नेंस का बड़ा मसला है और आप गवर्नर हमेशा डिपार्टमेंट्स में और उसमें स्ट्रीम लाइन करने के लिए कोई आप बैठ के सिवाई हुकूमत के साथ? डेफिनेटली डेफिनेटली, जो मेरा तजर्बा है 35 साल का पार्लियामेंटेरियन या डिफरेंट मिनिस्ट्रियों में रह चुका हूँ, तकरीबन हर मिनिस्ट्रीज में उसका तजर्बा इनके साथ शामिल कर लूँ, उसमें इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है। अगर हम थोड़ा स्ट्रीम लाइन कर दें और थोड़ा मैरिट को फॉलो कर दें, कोई वजह नहीं है कि वो गैप दूर ना हो सके। थैंक यू।